बारहवीं की सेंट जेवियर हाई स्कूल से हूँ। मेरा प्रश्न आपसे यह है कि हम पढ़ाई करते समय हम बच्चे जल्दी ही भटक जाते हैं, लाइक हम अच्छे से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। मेरा प्रश्न आपसे यह है गुरु जी कि हम ऐसा क्या करें जिसकी वजह से हम अच्छे से पढ़ाई में मन लगा। मात बुद्धि बैठ सुनो, भोजन में रबरी पसंद है या नहीं? मालपुआ, रबरी, कचौरी, खीर क्या पसंद है? खीर पसंद है? हाँ। खीर पाते समय मन चंचल होता है क्या? हलवा पसंद है तो हलवा पाते समय मन चंचल होता है क्या? मन की जो चंचलता है वो स्थिरता का द्योतक है। भौरा बहुत चंचल होता है लेकिन जब अभीष्ट पराग मकरंद से युक्त पुष्प मिल जाता है तो भौरा तनिक भी संक्रमणशीलता या चंचलता का परिचय दिए बिना उस पुष्प के रस पराग मकरंद का आस्वादन करता है। मन की चंचलता उसकी स्थिरता का द्योतक है। भगवद गीता के 18वें अध्याय में लिखा गया, कहा गया, अभ्यासा द्रविते यत्र दुखांतम च निगच्छति। पहले अभ्यास करना पड़ता है, दूसरी ओर से मन को हटाकर लक्ष्य की ओर बार बार प्रयत्न करना पड़ता है। जब राग या रति या मातृबुद्धि उत्पत्ति हो जाती है तो मन इतना रसिक है, जब तक राग न उत्पन्न हो तब तक प्रयास करना चाहिए, अंत में तो मन स्वयं ही अभीष्ट विषय की ओर ले जाता है। कभी कभी मैं अपने जीवन का उदाहरण देता हूँ। 5 साल की आयु तक तो खेलते कूदते थे। उन समय एक मेरे बड़े भाई उन दिनों काशी या दिल्ली में रहते थे, गांव आए, घर की माताओं से पूछा कि पढ़ता है या नहीं। माताओं ने कहा खेलता रहता है। तो एक पड़ोसी भाई को लिया, एक स्वयं भी एक नई पकड़ ली विद्यालय में नाम लिखाने के लिए ले जा रहे थे। हमको एक ही झांकी याद है, बचपन की बात है। महामहोपाध्याय मुकुंद झा बक्सी, उनके दरवाजे के पास पहुँचे, वो दृश्य याद है। मैं चिल्ला रहा था मानो जैसे किसी बकरे को बलि देने के लिए ले जा रहा हो। वो फिर भी नहीं छोड़ा उन्होंने, दोनों ने जाके विद्यालय में नाम लिखा दिया। उसके बाद लगभग 10 दिन तक विद्यालय जाने के बाद मुझे कितना आनंद आया पढ़ने में कि उन दिनों पहली कक्षा में रात्रि के 12 बजे तक पढ़ता था, बिजली आदि उन दिनों नहीं थी चिमनी के, और सुबह 5 बजे से पढ़ता था। माताओं ने मेरा नाम रखा कठकीरा, जैसे रात में काष्ठ में बाँस आदि कीड़ा गुनगुन गुनगुन आवाज़ करता है, पढ़ते रहता है। अब व्यासा द्रमते यात्रा, जब तक राग उत्पन्न न हो रति न उत्पन्न हो तब तक पर्याप्त अभ्यास की आवश्यकता होती है। पढ़ने में अगर रति उत्पन्न हो जाए, राग उत्पन्न हो जाए तो मन अपने आप पढ़ने की ओर लगता है। आरंभ में अभ्यास, मातृबुद्धि और अभ्यास।